आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर में दौड़ रही अवैध बस, बिना परमिट के चल रही बसों को लेकर ओंकारेश्वर के स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड पर आए दिन हो रहे विवाद। किसी दिन बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विवादों के बाद भी परिवहन विभाग, पुलिस विभाग मूक दर्शक बना हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार उज्जैन, खंडवा, इंदौर, खरगोन, बड़वानी और अन्य स्थानों से आ रहे वाहनों में एजेंटों द्वारा बड़ी मात्रा में वसूली की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि जिम्मेदार विभाग इसमें शामिल होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इससे तीर्थ क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ी है। वाहन को रवाना करने में आए दिन हो रहे विवाद के बाद श्रद्धालुओं को बसों से उतारकर दूसरी बसों में बैठाया जा रहा है। शिवराज सरकार के राज में शिव की नगरी ओंकारेश्वर में शिव भक्तों की फजीयत से तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर की छवि खराब हो रही है। चरण बादशाह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग बड़ी मात्रा में बस से ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं, जिससे 500 से 700 एजेंट के नाम पर लिया जा रहा है। एजेंट्स की मनमानी जारी है। आए दिन थाना मानधाता में विवाद पहुंच रहा है। जागरूक जनप्रतिनिधियों ने ओंकारेश्वर में स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह बस स्टैंड पर फल फूल रहे अवैध एजेंट एवं जबरिया दादागिरी को गंभीरता से लेकर श्रावण के पूर्व टेम्पो चालक एवं बस संचालकों पर नकेल कसने की गुहार लगाई। आकाश शुक्ला ने इस मामले में खंडवा पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजकर कार्रवाई की मांग भी की। ओंकारेश्वर में दो दो बस स्टैंड से बसों का संचालन आए दिन सुर्खियों में, विवादों में है। जबकि नगर परिषद ने पुराने बस स्टैंड सौभाग सिंह बस स्टैंड पर पार्किंग के लिए आरक्षित इसे कर रखा है। यहां से खंडवा, इंदौर, धामनोद, बनावर की ओर जाने वाली बस बेरोक टोक चल रही है। परिवहन विभाग की साठगांठ के चलते बिना यूनिफॉर्म, बिना निर्धारित किराए के मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। यात्रियों को भेड़ बकरी की तरह ठूसा जा रहा है, जो श्रद्धालुओं की जान के साथ खिलवाड़ भी है। वर्षा के चलते तेज गति से वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो कितने लोगों की जान जाएगी। इसके पूर्व तेज गति से समय मिलाने के चक्कर में कई बार बस दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। घटना के बाद जिम्मेदार विभागों ने खानापूर्ति की। कार्रवाई के अभाव में श्रावण के चलते तीर्थ नगरी में बड़ी संख्या में वाहन अवैधानिक रूप से आ रहे हैं। ओंकारेश्वर से ललित दुबे की रिपोर्ट। ये जो आज ओंकारेश्वर में बसों को लेकर विवाद हुआ, ये क्या है पूरा मामला? अवैध बसें, MST वालों की दादागिरी चल रही है, उन्हीं की गाड़ियां चलेगी, उनका ये कहना है। एक गाड़ी के टाइम में 5-5 मोटरें निकालेंगे, बाकी दूसरी जो अन्य मोटरें मेले में परमिट लेके आई है उन्हें गाड़ी चलने नहीं दी जाएगी। अवैध बसें 20 चल रही है और 10 परमिट वाली गाड़ियाँ चल रही हैं यहाँ पर। एजेंट भी अवैध ले जा रही है। 500 रुपये गाड़ी, किसी से 700 रुपये गाड़ी, और मैं खुद दे रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चरण सोलंकी है, ओंकार दर्शन बस है, मेरी संचालन करता हूँ। आपने अभी बस थाने पे भेजी है? मेरी बस थाने पे भेजी इसलिए साहब कि मेरी गाड़ी दादागिरी से भरी जा रही है। मेरे आगे दो गाड़ियाँ भर रहे हैं, जिनके टाइम नहीं है वो गाड़ियाँ भी भर रहे हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गाड़ी के आगे कोई टाइम की गाड़ी भराए। बिना टाइम टेबल की मोटरें यहाँ 50 चल रही है और 10 टाइम की चल रही है सिर्फ। दादागिरी से मोटर चलाई जा रही है।